What's up guys, स्वागत आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, पर स्पेशल क्या है, वेजिटेरियन लोगों के लिए। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि कैसे आप बजट के अंदर अपनी बॉडी बिल्डिंग की डाइट पूरा कर सकते हो, पर वो डाइट थी अंडा, चिकन, ये सारी चीजें थी उसमें। तो उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि भाई एक वेजिटेरियन डाइट पर भी तो वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो बजट के अंदर क्या खाए उन्हें भी तो पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले ना अपनी डाइट मंगा रहा था पूरे दिन की, और वो मैंने बाहर से मंगाई क्योंकि संडे को जिम में कैफ़े बंद था, तो मेरे को सारा खाना बाहर से मंगाना पड़ा। बाहर से पता मेरी एक दिन की डाइट कितने की पड़ी थी भाइयों, अंदाज़ा लगाओगे? सोच के देख लो। सोच लिया, 1,500 रुपये की 3 मील, 498 रुपये के आसपास एक मील थी, तो अप्रोक्सीमेटली 1,500 की मेरी 3 मील आई थी। और वही मील मैं घर पर बनाता हूँ तो कितने की पड़ती है पता है? 150 रुपये की। इतना फ़र्क होता है जब आप घर पे कुकिंग करते हो। अगर आप बजट के अंदर डाइट लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि जो भी खाना आप पूरे दिन खाओगे आपकी 5 की 5 मील घर पर ही बननी चाहिए। बाहर से मैंने 3 मील मंगाई और जब भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि 1,500 रुपये गए, वो तो ठीक है चलो महंगी डाइट मिलगी, वो क्वालिटी भी नहीं मिली जो घर पर मेरे को 150 रुपये मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों सबसे पहली चीज़ से, डिटॉक्स ड्रिंक जो आपका फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। पानी आपको सुबह उठते ही कम से कम 3 गिलास पानी पीना है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी से बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक, कोई भी आप तरी तरीके की चीज़ें बना लो, 50 चीज़ें उसमें मिला लो, जो पानी सुबह उठकर 3 गिलास आप पियोगे वो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। क्योंकि जब तक आपका पेट साफ़ नहीं रहेगा ना, पाचन बोलते इसको, पाचन हमारा, ठीक है, जब तक आपका पेट साफ नहीं रहेगा, आपका डाइजेशन बढ़िया नहीं होगा, आप कुछ भी खा लेना आपको वो नहीं लगेगा। तो डिटॉक्स करना ज़रूरी है। सबसे पहले लेंगे हम 3 गिलास पानी, और पानी भाई कौन सा, जो घर में आता हो, कोई स्पेशल हमें ब्लैक वाटर की ज़रूरत नहीं है जो 200 रुपये का मिलता है। आपको पता है ब्लैक वाटर में स्पेशल क्या होता है? सिर्फ कलर ब्लैक। मेरा गोल रहेगा कि मैं पूरे दिन की डाइट का बजट 100 से 150 रुपये के अंदर कवर कर दूं, जहां पर आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिले। प्रोटीन में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो बेसन खा लो या 1 किलो कुछ खा लो, तो उसमें से प्रोटीन तो मिल जाएगा, बट वो आपका सारा सुबह फ्रेश होते हुए निकल जाएगा और वो बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी। तो हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स लेना है। कम से कम हमारे प्रोटीन पूरे दिन में होना चाहिए 150 से 200 ग्राम, क्योंकि इतना ही हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होता है, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं मील नंबर 1 से। मील नंबर 1 में हम लेंगे ओट्स का, प्लेन ओट्स चाहिए, कोई हमें हाई प्रोटीन ओट्स नहीं चाहिए, उस चीज से कुछ होता भी नहीं है हाई प्रोटीन होता है सिर्फ प्रोटीन पाउडर। अगर आप बढ़िया बॉडी बनाना चाहते हो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओट्स लेंगे 50 ग्राम, 50 ग्राम ओट्स बहुत हो जाते हैं। इन ओट्स की कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए, क्योंकि 180 रुपए का पैकेट आता है, 18 रुपए के पड़े 100 ग्राम और 9 रुपए के पड़े 50 ग्राम। और हम लेंगे 100 ग्राम टोफू, ये टोफू मेरे को मिला है 40 रुपए का। अब हम 100 ग्राम भी लेंगे, 200 ग्राम है, तो हमें डायरेक्ट 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी का। तो हम पहली मील बना रहे हैं, और टोफू में फैट भी बहुत कम होता है। हमें एक फ्राई पैन चाहिए होगा, उसमें तो आप बटर या घी का यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, और कोई किसी भी तेल का यूज़ मत करना, लास्ट आप कर सकते हो सरसों के तेल का। तो हम लेंगे यहाँ पर जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। हमारे पास क्या अवेलेबल है? घी। तो हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे तवे पर, जो भी हम मसाले डालेंगे वो बाद में डालेंगे, पहले बहुत ज्यादा ग्रेवी बना देंगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। बॉडी बनने लगी भाई, अब शोल्डर भी उठे उठे दिख रहे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ओट्स को हमें पानी में खाना चाहिए या दूध में, आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हो फैट लॉस पे, तब आप पानी में तो जरूर बनाओ, पर मेरे को तो वैसे भी पानी में अच्छे लगते हैं। अगर आपसे नहीं खाए जा रहे प्लेन ओट्स, तब आप दूध मिला सकते हो। ओट्स 50 ग्राम, क्योंकि ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए। अब इनकी कॉस्ट देखो हमारे ब्रेकफास्ट की, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की, और बढ़िया कार्बोहाइड्रेट, ओट्स से बढ़िया कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं। ओट्स, रोटी, चावल, आलू, ये 4 बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। ये हमारा कितने का?
₹9 का, क्योंकि 50 ग्राम है 180 के आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कितने का, ₹20 का, ₹40 का 200 ग्राम मिला है, ये रहा पैकेट, और हमने 100 ग्राम यूज़ किया है, तो हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हमारी हर मील में एटलीस्ट 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हो, इट्स इनफ। और इसमें एक चम्मच डाल लेंगे हम पीनट बटर फॉर टेस्ट, और हेल्थ भी चाहिए इसलिए पीनट बटर, नहीं तो अपना कोई चॉकलेट स्प्रेड मिला लेना अगर अनहेल्दी बॉडी चाहिए तो। वो एक मील जो मैंने खरीदी थी उसकी कॉस्ट थी ₹500, ये एक मील है जिसकी कॉस्ट है 9 + 20 ₹29। ये डिफरेंस होता है जब आप घर पर खाना बनाते हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, तुम्हारा वाइट टोफू को टेस्ट करके देखते हैं। वाह भाई, एंजॉय करो भाई अपनी मील को। तो अब बारी है लंच की, मतलब मील नंबर 2 की। इसमें हम लेने जा रहे हैं राइस और सोया चंक्स। राइस होंगे 150 ग्राम बनने के बाद, अगर आप मसल बिल्डिंग पे हो, फैट की कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में, तो आप 200-250 ग्राम भी ले सकते हो, पर वो बनने के बाद होने चाहिए, रॉ नहीं, ठीक है, वाइट राइस। और 50 ग्राम सोया चंक्स, तो ये है ₹60 के 220 ग्राम। तो हमें 50 ग्राम चाहिए, तो ₹15 के आसपास ये पड़ेंगे हमें। और राइस तो भाई, राइस तो बहुत ही सही प्राइस में मिल जाते हैं, ₹5 के चावल, ₹10 के चावल पड़ेंगे, 10 के भी नहीं पड़ेंगे। तो ये मील भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी कितने रुपए में, 15 के 25 के अंदर। पहले हम निकालेंगे 50 ग्राम, ज्यादा थोड़ी है यार, पानी तो वो बॉयल वाले में डालना है हमें। इसमें बॉयल कर दूं, इसमें डालोगे ना तो सोक हो जाएगा। हाँ अच्छा, लो भाई छोड़ो, नया तरीका सोया चंक्स बनाने का, क्या बात है। वो तुम तो ज्यादा ही कुछ वो प्रोफेशनल, इसको ढक ढक क्यों दूँ, इसको ढकोगे तो स्टीम रहेगी ना, इसके अंदर गर्म रहेगा थोड़ी देर तक, इसको सोक करके रखना। चंक्स में जो भी चीजें डलेगी, टमाटर प्याज या कुछ भी आप अलग से वेजिटेबल डालना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, मेरे को सिर्फ प्याज और हल्की सी मिर्च बढ़िया लगती है। तो वो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया है, एक मिर्च ली है हरी ताजा ताजा, और सोया चंक्स को सोक कर लेना। इस तेज दबा दिया तो यही टूट जाएगा जब पकड़ रखा है। और ये तरीका मेरे को सोनिया ने सिखाया था जब हम स्टार्टिंग में मिले थे, नहीं तो मैं आधी मिर्च तो हाथों में लगा लेता था। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, बेस्ट है हमारे इंडियन चीजों में, हल्की सी लाल मिर्च, चावल भी बन गए। बू तुम तो मास्टर शेफ से भी ऊपर निकले। वाह, क्या ये हमारा हो गया 0। अब हम इसमें 150 ग्राम कर देंगे चावल। अरे देख ना तुम्हारा भाई 100 ग्राम ऐसे ही निकाल देता, दिखा के। एक चीज बता देता हूँ, रोटी चावल आलू ओट्स, ये चार ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। अगर आपका मन है चारों खाने का आप चारों खा सकते हो, अगर आपका मन है पूरे सारी मील में चावल होने चाहिए आप चावल खा सकते हो, अगर आपका मन है पूरी मील में आलू होने चाहिए आप आलू खा सकते हो, अगर आपका मन है रोटी खाने का आप रोटी खा सकते हो, ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट यही बढ़िया है, फैंसी ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और ये अलग अलग तरीके की चीज़ें नहीं है बढ़िया। तो भाइयों जिम के लिए रेडी हो चुके हैं, बॉडी एकदम पंप है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में चला गया है। अब जा रहे हैं जिम में, अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे और उसके बाद बढ़िया वर्कआउट खींचेंगे
और आप कमेंट में बताओ कि अपने भाई की बॉडी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि शोल्डर वगैरह एब्स वगैरह भी दिख रहे हैं, तो भाइयों लाइक कर दो इसी बात पे। तो अब बार ये भाइयों प्री वर्कआउट मील की, और सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको पता ही है, ब्रेड चाहिए आपको, ब्राउन ब्रेड मत लेना, वाइट ले लेना, ठीक है, और मल्टीग्रेन भी ले सकते हो भाई, पर देख लेना, बजट के अंदर बनाना है इसलिए बना रहा हूँ भाई। ये ब्रेड आया भाई 30 रुपये के, और 30 में इसमें कितने होते हैं, 10 के आसपास होते हैं, तो कितने के, 6 रुपये के ब्रेड पड़े, 6 रुपये के हमें ब्रेड पड़े। और हम एक केला लेंगे और एक चम्मच लेंगे पीनट बटर, इसमें नेचुरली है क्योंकि चॉकलेट में ना हल्का सा 1 ग्राम के आसपास शुगर होता है। आपकी बॉडी का मतलब है पेट के अंदर क्या जा रहा है, बात करता हूं। तो भाइयों अब बारी है प्री वर्कआउट मील की, तो प्री वर्कआउट मील में हम लेने जा रहे हैं 1 कप कॉफी ब्लैक, वो भी अब यहां पर भाई जिम में फ्री कॉफी है। अब मैं ये सोच रहा हूं इसकी कॉस्टिंग में जोड़ू या ना जोड़ू, ये बताओ भाई। मेरे जिम में तो फ्री है, अगर आप मेरे जिम में आ रहे हो तो आपको फ्री मिलेगी। अगर आप घर पे नेस्कैफे वाली कॉफ़ी पीते हो, जो कि मेरे बैग में भी रखी है, मैं भी पीता हूँ सुबह भी दूध वाली, तो वो 2 रुपये की पड़ती है, 2 शीशे पीना आपको मिल जाएगा अच्छा खासा कैफीन। तो भाई यो आ गया वर्कआउट करके, अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई है भाई, एक केला खाएंगे पोस्ट वर्कआउट में। वर्कआउट के बाद खाली प्रोटीन मत पिया करो, उसके साथ कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए केला लेता हूँ। क्योंकि अगर आप खाली प्रोटीन पियोगे, आधा प्रोटीन आपका जाएगा आपकी बॉडी को एनर्जी देने में। एग्जांपल से समझाता हूँ, ये आपकी बॉडी है, आपकी एनर्जी यहाँ पर है जब आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, वर्कआउट खत्म होने पर वो एनर्जी आ गई यहाँ पर। अगर आप सिर्फ प्रोटीन दोगे ना, बॉडी मसल नहीं बनाएगी पहले, वो एनर्जी को पूरा करेगी, क्योंकि बॉडी का काम पहला सर्वाइवल होता है, जिंदा रहना, उसके बाद आपकी वो जो बचा हुआ प्रोटीन आपकी मसल में काम करेगा। तो इसलिए एक केला, 1 स्कूप प्रोटीन। और जब बात आती है प्रोटीन की, हमेशा चूज बेस्ट प्रोटीन, माय प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट। आपको पता ही है प्रोटीन दुनिया भर के है, मार्केट में भर भर के पड़े हैं, पर आपको पता है आपके लिए बढ़िया क्या है, यूके से आता है, इसमें कोई भी ऐसी बकवास चीज़ें नहीं है जो और ब्रांड में रहती है ना, जो और प्रोटीन्स में आप देखते हो भाई ये तो टेस्टेड नहीं है, इसमें तो टेस्ट में फेल हो गया, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, कभी देखा माई प्रोटीन को इन चीज़ों में घुसते हुए? क्यों, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। अगर 500 रुपये अपनी बॉडी पे थोड़ा ज़्यादा लगा भी दोगे भाई, किसका फ़ायदा होगा, आपका ही होगा ना। तो अगर कोई प्रोटीन आपको 4,000 में पड़ रहा है, 3,000 में पड़ रहा है, 2,000 में पड़ रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये महंगा मिल जाएगा, तो जाओ भाई खरीदो बढ़िया प्रोटीन, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, और मेरा कोड यूज़ करो Rohit07, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सबको बढ़िया लगता है भाई जब डिस्काउंट मिलता है, जब ये प्रोटीन आपको, एक प्रोटीन, एक क्रिएटिन और एक शेकर मिलेगा ना आपको जब 3,000 रुपये में, मज़ा आ जाएगा। तो वैसे भी माई प्रोटीन की सेल है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद लो, जूसी फ्लेवर है, कोई शुगर एडिड नहीं है एक्स्ट्रा, 20 ग्राम प्रोटीन है, एकदम जूस की तरह फील होता है, और फ्लेवर है छुपा चुप्स, नया फ्लेवर आया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी इसको मिलाऊंगा तो इसका कलर देखना, माई प्रोटीन का क्लियर वे आइसोलेट। ये वो वाले प्रोटीन नहीं है भाई, वे जो चॉकलेट पी रहे हैं, पीता मैं भी हूँ, मेरे घर पे 2 रखे हैं, पर ये एकदम जूस की तरह होता नहीं। चलो पी के देखा जाते हैं कैसा लग रहा है नया फ्लेवर। ओ यार भाइयों क्या सोच क्या रहे हो भाइयों, मतलब एक बार ट्राई करोगे और आपको अगर अच्छी चीज मिल रही है, क्या जा रहा है, कमाल है भाई। बताओ 150 रुपये में आपकी पूरी मील करा दी प्रोटीन के साथ, और क्या चाहिए आपको, पोस्ट वर्कआउट मील, अब बचा है डिनर। अब बारी है डिनर की, हमारी लास्ट मील की। इस मील में हम ले रहे हैं पनीर और राइस। पनीर की हमने बना दी है भुर्जी टाइप, ऐसे हमने तोड़ तोड़ के छोटा छोटा, और इसमें हल्का हल्का पुदीना मिर्च डाल दी है। इसको हम तवे पे हल्का सा फ्राई करेंगे, किस पे, हल्के तवे पे, अगर तेज करोगे तो वो ज़्यादा काला काला पड़ जाएगा, ठीक। तो 100 ग्राम पड़ेगा आपको 40 रुपये का, और 40 रुपये में आपको मिलेगा सीधा सीधा 18 ग्राम प्रोटीन। और वापस से हम चावल ले रहे हैं, ये सोनिया अपनी रेसिपी बनाएगी, सोनिया ने अपने लिए आधा रखा हुआ है, आधा सोनिया का आधा मेरा, तो हम इसमें भुर्जी बना लेते हैं।
ऐसे तो मैं परांठा बना दूंगा पनीर का। तो हमारा पनीर बनके रेडी हो चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी, अब इसमें नींबू प्याज भी मिलाया हमने, ऊपर से टॉपिंग करेंगे नींबू की। आप चाहो तो रोटी, आप चाहो तो चावल, आप चाहो तो आलू के साथ ये खा सकते हो, जो कि हो चुके हैं। अरे बोझा और आधा हम मिलाएंगे इसमें नींबू फॉर टेस्ट। घर में जो भी सब्जी बनती हो आपके, आलू चाल दावल, आलू दाल, कोई भी घिया, कोई भी सब्जी चटनी बन रही है, आप वो मिक्स कर सकते हो, मर्जी आपकी है। वाह भाई, कौन कहता है टेस्ट नहीं है भाई, सही बोला है, टेस्ट हाथों में होता है। चलो भाइयों, डिनर हो चुका है, अब टाइम है थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का, थोड़ा सा मन कर रहा है। पर ये थी हमारी एक्चुअली 5 मील फुल डे ऑफ ईटिंग की। पहली मील की कोर्स थी हमारी 29 रुपये, जहाँ पर हमने खाया टोफू और ओट्स। दूसरी मील थी हमारी सोया चंक्स और चावल की, जो लंच था हमारा उस, वो थी हमारी 14 रुपये की। तीसरी मील थी हमारी 15 रुपये की, जहाँ पर हमने पीनट बटर और ब्रेड लिया और एक केला। चौथी मील थी हमारी प्रोटीन और एक केले की, जो हमारी 50 रुपये कॉस्टिंग पड़ती है, पर वो जब ही पड़ेगी जब आप माय प्रोटीन की सेल में से खरीदोगे। और 40 रुपये की थी हमारी लास्ट मील, जिसमें हमने लिया पनीर और चावल। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरे दिन की मील, जहाँ पर जो कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 150 रुपये, लगभग 140-160 के बीच में। ये थी भाइयों आज की वीडियो। मैंने बोला था कि वेजिटेरियन डाइट भी बजट के अंदर हो सकती है, और वो पूरी मैंने आपको बना के दिखा दी। तो ये थी भाई आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर वेजिटेरियन बजट डाइट, लाइक कर देना भाइयों वीडियो को, एक सेकंड लगेगी, लाइक कर दो। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन है, साउंड बन जाओ तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों, टिल द नॉट पीस गेन्स।